हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। तो फ्रेम में जो दोस्तों भी आप गाड़ी देख रहे हैं ये है द ऑल न्यू किया सेल्टॉस। और भाई ये जो मॉडल खड़ा है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मॉडल है और सबसे ज़्यादा जो सेल होने वाला मॉडल है ना वो यही है। ये खड़ा है इसका STX मॉडल एंड दिस इज़ दी ऑटोमेटिक 680। 6 स्पीड जो है ऑटोमेटिक के साथ आता है, टॉक कन्वर्टर वाला इसके अंदर आपको गियर बॉक्स मिलता है और ये है इसका डीजल मॉडल। अब जो है प्राइजेज आपके सेल्टॉस के अनाउंस हो चुके हैं और अब प्राइस सुन के आपको ज़्यादा जो है शॉक नहीं लगेगा। पहले जो है अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई 1.5-2 लाख रुपए बढ़ सकते हैं, बट हमने आपसे कहा था 50 से लेके 1 लाख का जो है डिफरेंस आएगा, तो वही चीज हुई है। 1 लाख रुपए का मोटा मोटा जो है फर्क आ चुका है इस गाड़ी में। एक शोरूम की बात करूं तो 17,59,000 का आपको इसका एक शोरूम प्राइस पड़ता है। वहीं पे अगर बात करें इसका पुराना वाला मॉडल वो था आपका 16,59,000, तो 1 लाख का मोटा मोटा जो डिफरेंस है वो आ चुका है। अब आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए ऐसी मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। दूसरी बात बहुत ज्यादा जरूरी है, बट भाई चौथी बात ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप डेफिनेटली इस गाड़ी को लोगे ही लोगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो गाइस सबसे पहली बात जो इस गाड़ी को अच्छा बनाती है वो है इसका फ्रंट फेशिया। ये देखो आप, फ्रंट से ये गाड़ी आपको अब जो है पहले से ज्यादा अपील करेगी, बिकॉज नया जो है इसका फ्रंट फेशिया हो चुका है। ग्रिल आप देख रहे हो, ये ग्लॉसी ब्लैक के साथ नई जो है आपको ग्रिल मिलती है। पहले वाली ग्रिल आपको कुछ इस तरीके की आती थी जो आप वीडियो में देख रहे होगे अभी। बाकी अब देखो आप, फ्रंट की ग्रिल ना अब ज्यादा इंप्रेसिव है। यहाँ पे हेडलैम्प का डिजाइन भी जो है कम्प्लीटली आपको नया देखने को मिलेगा। सिक्वेंशियल के अंदर देखो आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिलता है, विच लुक्स वेरी प्रीमियम और बहुत ही ज्यादा जो है आपकी गाड़ी को स्टैंड आउट करेंगे। और ये चीज आपको देखा आपने मर्सिडीज टाइप में मिलती है, आपको ये चीज यहाँ पे सेल्टॉस में मिलने वाली है। नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको जो है आइस क्यूब के अंदर फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, पहले 3 थे अब ये 4 हो चुके हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी है। फ्रंट में आपको जो है सेंसर्स मिल रहे हैं, नीचे आपको जो है सिल्वर कलर की स्किड प्लेट ऑफर हो जाती है। तो भाई ये रहा इसका पहला पॉइंट। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ। अब देखो दूसरा जो पॉइंट है वो है इसके रियर लुक का। फ्रंट आपको बता दिया, अब रियर से भी ये गाड़ी आपको बहुत ज्यादा अपील करेगी और कहीं ना कहीं फ्रंट से ज्यादा जो है रियर मुझे जो है पर्सनली ज्यादा सुंदर लगा। ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पे आपको जो है नया टेल लैम्प के साथ ये कनेक्टेड वाले जो है टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं चीज। और ये देखो डिजाइन बहुत ही अच्छा और बहुत ही नया वाला डिजाइन आपको मिल रहा है, तो ये चीज हो गई। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको ब्रांडिंग है, बिकॉज ये है इसका ऑटोमेटिक वाला मॉडल। डिफॉगर आ गया, वाइपर आ गया, हाई मॉडल स्टॉप लैंप, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, 4 आपको पार्किंग सेंसर्स है 1, 2, 3, 4। नीचे स्किड प्लेट आ गई, यहाँ रिवर्स और रिफ्लेक्टर है, सेल्टॉस की ब्रांडिंग है, वेरिएंट की ब्रांडिंग जो है आपको नहीं मिलती। ये रहा इसका कैमरा, ये भी अच्छा हुआ। तो ओवरऑल जो लुक है वो अच्छा है और थोड़ा सा जो ये डिजाइन है ना पहले के कंपैरेटिव चेंज हुआ है, बर्ड्स वगैरह हैं ये अब वाले मॉडल में नजर आ रहे हैं, पहले वाले में ऐसा नहीं था। तो पीछे का डिजाइन बहुत ज्यादा अपीलिंग है। फ्रंट से ज्यादा जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा है वो लगा है इसका पीछे का लुक। अब आ जाते हैं भाई तीसरा पॉइंट, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौथा तो भाई बिल्कुल मिस मत करना। और अब रहती है भैया साइड की कहानी। तो देखो साइड से ये गाड़ी आपको पहले जैसी लगेगी, इसमें एज सच कोई ज्यादा चेंज नहीं है। चेंज है इसके अलॉय व्हील्स के अंदर, पहले वाले अलॉय व्हील्स ना वैसे आते थे, वो देखो ऐसे, तो भाई वो उतना मजे वाले नहीं थे। अब जो है ना देखो डायमंड कट के साथ हैं और साइज तो पहले भी 17 था, अब भी आपको 17 इंच मिल रहा है जो कि एक अच्छा साइज है। और यहाँ पे चारों व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक हो गई, ये बहुत अच्छी चीज़ है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस इसके अंदर 6 एयरबैग जो है आपको एज अ स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। 215/60/R17 के अलॉय व्हील्स हैं और डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत वाला डिजाइन है। स्किड प्लेट आ गई, पूरी की पूरी जो है पीछे तक जाती है। यहाँ पे भी आपको देखो ये एलिमेंट्स जो है ना ये किया ने बहुत ज्यादा जो है सुंदर दिए हैं। ORV में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे नीचे आपको मैट ब्लैक है, ऊपर आपको बॉडी कलर है। ए पिलर ये जो है ये आपका ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ है, ग्लास एरिया डिसेंट है और यहाँ पे पैसिव डोर एंट्री का ऑप्शन है, क्रोम के अंदर डोर हैंडल है, ये आपको पट्टी मिल जाती है जो कि ऑल द वे यहाँ तक जाती है, काफी खूबसूरत है। ऊपर सिल्वर कलर में ये आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं, बे पिलर ब्लैक्ड आउट हुआ, ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm, हाई जो है 1800 mm है। वहीं पे हाइट की बात की जाए तो हाइट में चेंज नहीं है, हाइट आपको मिलती है 1645 mm की। लेंथ के अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा, अब जो है 50 mm की जो लेंथ है वो ज्यादा हो चुकी है, 4365 mm की लेंथ है। व्हील बेस है 2610 mm का, तो ये बहुत सही जो है इसके अंदर डायमेंशन फिगर्स है, तो अंदर जो है आपको बहुत ज्यादा कम्फर्ट होने वाला है। अब जो है एक बार आपको जो है इसका बूट स्पेस दिखा देता हूं, तो यहां से इसको खोलते हैं और ये देखो ये रहा इसका बूट स्पेस, 433 लीटर्स का बूट स्पेस है जो काफी ज्यादा सही है, फ्लैट है, तो सामान को डालना और निकालने में आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे हुक मिल गया, ये देखो यहां पे आपको लाइट मिल जाती है, बूट लैंप, तो ऐसा रहा।
स्पेयर व्हील देखिए तो ये आपको 16 इंचेस का है, तो एक साइज आपको यहाँ पे डाउन मिलता है। स्पेस आपको यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, और यहाँ पे पार्सल ट्रे भी ऑफर हो जाती है। ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको कवरिंग जो है मिलती है, ग्रैब यहाँ से कर सकते हो, और टेल गेट अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक होता तो एक मजा आ जाता, बोलते ना समा सा जो है वो बन जाता, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपको ना ड्राइवर डोर पे फिलहाल अभी नहीं जाते, अब चलते हैं पहले सेकंड रो पे और वहाँ पहले कुछ क्या मिलता है वो देखते हैं। तो ये देखो डुअल टोन ट्रीटमेंट है, ब्लैक है, बेज है, और ये है सॉफ्ट टच स्पेडिंग, कमाल की चीज़ है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है, सिल्वर का काम है, और यहाँ देखो आपको ब्लाइंड्स मिल जाते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये आपको STK जो है ना सेकंड बेस मॉडल से ये चीज़ मिलती है। तो इससे क्या होता है, जैसे अभी बहुत धूप हो रही है, अंदर आप बैठोगे ना आपको एकदम देखो कोजी कोजी सा जो है फील होने वाला है। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है, आपको मटेरियल मिलता है, और थोड़ा सा गंदा होने के चांसेस है बिकॉज बहुत लाइट कलर है। ये रहा इसका वन टच ऑटो अप एंड वन टच ऑटो डाउन, अरे वाह ये चीज़ बहुत अच्छी यार, मतलब सेकेंड रो में भी आपको ये चीज़ मिल जाती है, दिस इज़ गुड। ये आ गया स्पीकर की प्लेसमेंट एंड ट्विटर आपको इसमें यहाँ नहीं है, स्पेस आ गया नीचे, और दोस्तों ऐसा कुछ जो है अंदर का रहेगा, और 60-40 स्प्लिट के तीनों जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, और ये भी अच्छा है। तीन आपको यहाँ पे सीट बेल्ट्स मिलती हैं विद रिमाइंडर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट विद रिमाइंडर आपको मिल रहा है। आर्मरेस्ट मिलता है विद कप होल्डर, दिस इज ऑल्सो गुड, और यहाँ पे स्पेस में तो मुझे अच्छा खासा लगता है ये। अब बाकी बैठ के देखते हैं, तो ऐसा कुछ जो है लेग रूम रहा, और काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, अंडर टाय कम्फर्ट इज ऑल्सो वेरी गुड, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तीन एडल्ट्स आप आराम से यहाँ पे बिठा सकते हो, हल्का फुल्का आपको थोड़ी सी बोलते हैं ना शोल्डर रूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। रियर एसी वेंट आ गए, ये चीज़ अच्छी है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नीचे आपको टाइप सी मिल जाता है, स्पेस आ गया यहाँ पे आपको फ़ोन रखने का, हम बहुत ही आपको छोटा सा मिलता है। तो ये रहा भाई पीछे का, और ऊपर ये देखो आपको यहाँ पे लाइट मिल गई, ये भी चीज़ आ गई, यहाँ पे आपको हुक मिलता है, ग्रैब हैंडल आपको एडजस्टेबल वाले को। अब चलते हैं ड्राइवर डोर पे और वहाँ क्या कुछ फीचर्स जो हैं ये गाड़ी ऑफर कर रही है वो भी चेकआउट करते हैं। तो अब बात आती है इसके फ्रंट डोर की, तो डुअल टोन ट्रीटमेंट है, ब्लैक है एंड दिस इज बेज, और ये देखो सॉफ्ट टच पैडिंग है यहाँ पे, तो प्रीमियमनेस आपको इस गाड़ी में भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी। ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट, दिस इज सिल्वर जो है ग्लॉस के साथ है, और यहाँ सारे के सारे पावर विंडोज हैं, एंड एक बहुत सही चीज़ बताता हूँ कि सारी की सारी जो विंडोज है ना वो वन टच ऑटो डाउन, ड्राइवर वाली आपने देखी है वन टच ऑटो डाउन एंड वन टच ऑटो अप, बट यहाँ पे ऑल विंडोज जो है आपको वो चीज़ मिलेगी। ये देखो सामने वाली, और यहाँ से इसको मैं आप कर सकता हूँ, और ये चीज़ ऐसा नहीं कि यहीं से ऑपरेट होनी है, ये चीज़ आप अगर इंडिविजुअल वहाँ बैठ के ऑपरेट करते हैं तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। और ये रहे इसके OVM जो ऑटो फोल्डेबल एंड ऑटो एडजस्टेबल है, ट्विटर आ जाते हैं, स्पीकर आ जाते हैं, और यहाँ पे स्पेस आपको मिल गया। बाकी हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मैनुअल मिलेगी, GD मॉडल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है ये ऑटोमेटिक मिल गया। बाकी सीट्स यहाँ पे लेदराइट हैं एंड बहुत ही प्रीमियम जो है यहाँ पे लेदर क्वालिटी लग रही है, परफोलेटेड लेदर है, बट ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स हैं, बट गाइस ये आपको वेंटिलेटेड नहीं मिल रही। हेडरेस एडजस्टेबल है, 7.5 बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल 7.5, और ये जो है लेवलर आपको हेडलाइट का मिल जाता है, और ये आपका ऑटोमेटिक है, दो ही पैडल ऑप्शन है, यहाँ पे डेड पैडल भी मिल जाता है। बाकी अगर अंदर बैठ के देखें तो ये देखो प्रीमियम से आपको स्टेयरिंग व्हील मिल रहा है, डीकट स्टाइल का, सेल्टॉस यहाँ पे लिखा हुआ है, GD लाइन लोगे तो GD लाइन लिखा होगा, और ये है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं जिसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा जो है मज़ेदार हो जाता है। लेदर रैप्ड है, और क्वालिटी तो भाई टॉप नॉच है ही है, पुराना स्टेयरिंग है ऐसा नहीं कहूँगा कि नया है, और यहाँ पे कंट्रोल्स देख रहे हो आप, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, और ये रहे इसके कंट्रोल्स आपके म्यूजिक सिस्टम के। और जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा था वो था ये, आप ये देखो अंदर की जो स्क्रीन है ना ये चेंज हो चुके हैं, पहले थोड़ी सी हाइट वाली आती थी, अब थोड़ा सा उसको नीचे करके लंबाई में करा गया है, और ये है 10.25 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम जिसकी क्वालिटी एकदम ही टॉप नॉच है, और ये कहीं ना कहीं वरना वाला है, और क्योंकि वरना में भी इस टाइप का आता है, ये देख लो आप थोड़ा सा इंक्लाइंड है ड्राइवर की तरफ, और रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। साथ ही एक बार आपको इसके रिवर्स कैमरा की क्वालिटी दिखाता हूँ, तो ये देखो ये आपको नॉर्मल है, यहाँ पे 360 नहीं है, ये फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स दिखा रहा है, ये रियर के दिखा रहा है, और ये देखो यहाँ पे मूविंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है ये कैमरा मिल जाता है, तो ये बहुत सही चीज़ हुई। ये देखो आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी बदल चुका है, पहले एनालॉग था, अभी आपको फुली डिजिटल मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो कैरेंस में आता है ना किया की कैरेंस में उससे इंस्पायर है, और यहाँ पे TPMS देखने को मिलेगा एज अ स्टैंडर्ड आपको, और ये आपको अच्छी चीज़ है कि हर मॉडल में मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका कलर चेंज करूं तो वो भी सब कुछ हो जाता है यहाँ से एक बार। तो गाइस जो इस पे कलर चेंज होने हैं ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साइड में भी आपको ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे आपको ड्राइव और ट्रैक्शन मोड्स दिया हुआ है, इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे आ गया ट्रैक्शन के अंदर,
और ये स्नो मर्ड और सैंड के अंदर चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको फिर से प्रेस करता हूँ तो इको में देखो आपको ग्रीन आ रहा है, नॉर्मल में ये आपका पर्पल टाइप का कलर आ गया, और स्पोर्ट्स में एकदम जो एग्रेसिव रेड कलर है वो चीज़ मिल रही है। बाकी यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ पे टेम्परेचर है और ऐसा कुछ रहा, मतलब अच्छा है ओवरऑल जो है। अब लुक जो है पहले से ज़्यादा प्रीमियम है इस गाड़ी का। ऑटोमेटिक एसी आपको मिल रहा है एंड ये है भाई डुअल जोन, और नीचे आपको जो है कंट्रोल्स मिल रहे हैं म्यूजिक सिस्टम के। अगर इससे ऊपर वाले मॉडल्स लेते हो ना तो वहाँ पे आपको 8 इंचेस की स्क्रीन है, ये आपकी 10.25 इंचेस की है। साइज बहुत ज़्यादा बढ़िया है इसका। ऊपर आपको यहाँ पे एक ये ग्रिल सी मिलती है, और एयरबैग्स की बात की जाए तो बताया था 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलते हैं। ये रहा इसका 6 स्पीड ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको, और ये अभी यहाँ पे जो है रैप लगाया गया है। पार्किंग रिवर्स जो है न्यूट्रल और ड्राइव मोड, प्लस इसको आप मैनुअल मोड में भी कर सकते हैं। और ये जो आप व्यू देख रहे हो, ये गाड़ी अगर स्टार्ट होगी ना तब आपको जो है पीछे का व्यू नज़र आएगा, तो ये अच्छा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। और साथ में ये आपको मैंने समझा दिया, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, वो आपको जीडी लाइन में ऑफर होगी। ये रहा इसका 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी, और ये टाइप सी आपको मिलता है। ग्लॉसी ट्रीटमेंट है ये साइड में भी, तो ये दिस इज ऑल्सो गुड। और ये थी भाई चाबी जो मैं आपको दिखाना भूल गया था, तो प्रीमियम जो है चाबी मिलती है। लोग कहते हैं चाबी नहीं बदलती ब्रांड्स, बट भाई किया ने वो काम कर दिया है, चाबी हो चुकी है आपकी चेंज, नई इंप्रूव जो है चाबी मिल चुकी है, और कहीं ना कहीं एक प्रीमियम चाबी है। किया लिखा और साइड में कंट्रोल्स हैं, ये देख रहे हो, लॉक अनलॉक और होल्ड करके आप इस जो आपको दिख रहा है इससे हम गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं अगर हम बाहर खड़े हैं। प्लस ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हो ये है आपके बूट को खोलने का, तो दो चाबी आपको मिलती हैं, दिस इज गुड। और यहाँ पे स्पेस आ गया, और ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आपको जो है पार्किंग ब्रेक्स नहीं मिलती, ये आपको जो है उसके लिए आपको जीटी लाइन पे ही जाना पड़ेगा। तो फिलहाल ये सारी चीजें कोई ज्यादा नहीं है, देखो छोटी सी चीज है। बाकी ये देखो यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है जिसके अंदर स्पेस आपको अच्छा खासा भरपूर मिल जाता है। ग्लव बॉक्स अच्छा है, और ये देखो सॉफ्ट टच पैडिंग भी आपको इसके अंदर मिलती है, हार्ड प्लास्टिक, दिस इज सॉफ्ट टच। यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश, और प्रीमियम क्वालिटी का जो है आपको इंटीरियर जरूर फील होगा, कुशनिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और यहाँ पे आराम से आप अपना पैर को जो है रख सकते हैं, बिकॉज डेड पेडल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, दिस इज गुड। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है इस गाड़ी में आपको एक प्लस वाला फील होगा। फ्रंट में आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको बोनेट विजिबल है, तो ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको देखो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, SOS, RSA और किया कनेक्ट, और यहाँ पे ये देखो आप, ये आपको ऑटोमेटिक डिमिंग जो है IRVM मिल जाता है। ऊपर आ गया सनग्लास होल्डर, यहाँ पे आपको LED के अंदर लाइट्स मिल जाती हैं। ये रहा इसका टिकट होल्डर, और यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलता है, दिस इज गुड। और एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको वॉइस कमांड के फंक्शन मिलते हैं, और ये अब जो ना इंग्लिश लैंग्वेज जो है सपोर्ट करता है, तो ये चीज अच्छी है। ड्राइवर डोर विंडो वगैरह जो भी कमांड्स हैं वो आप इससे एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से दबा के, तो ऐसा रहा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे बोल रहा था, जो कि है चौथे नंबर का पॉइंट जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो है ये। तो भैया अब जो है किया सेल्टॉस में मिलता है ये द पैनोरामिक सनरूफ, भाई यही तो है गेम चेंज करने वाली चीज। मतलब ये जो है ना, इसकी वजह से आप इस वेरिएंट पे डेफिनेटली मूव करोगे, बहुत ही गजब का है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा ये सनरूफ जो है बढ़ा देता है, बहुत ही एरी फील होगा। ये देखो पैनोरामिक सनरूफ है, पहले छोटा सा आता था, अब ये चीज बहुत ही सही हो चुकी है, और अब ना ये आपकी क्रेटा को एक तगड़ा कॉम्पिटिशन देगी, क्योंकि क्रेटा जो मोस्टली बिकती थी ना, इंटीरियर अच्छा था क्रेटा का बट प्रीमियम फिर भी सेल्टॉस का था। बट अब देखो जो गेम चेंज होता था वो होता था क्योंकि क्रेटा में आपको पैनोरामिक सनरूफ थी, वो चीज सेल्टॉस में मिसिंग थी, तो लोग क्या करते थे कि भाई सेल्टॉस में शिफ्ट ना हो कि वो क्रेटा लेते थे। अब देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, फिलहाल धूप है तो आपको ऐसा लग रहा है, बट इस चीज का एक्सपीरियंस करना है ना तो हिल स्टेशन पे जाना आपको बहुत मजा आएगा। बच्चे भी खुश, बीवी भी खुश, भाई परिवार वाले भी खुश, ये गाड़ी डेफिनेटली जो है बहुत तगड़ा जो है यहाँ पे कॉम्पिटिशन देगी क्रेटा को। तो भाई ये था इसका चौथा पॉइंट। अब आ जाते हैं इसके इंजन बे पे, जो इसका दिल है, और मैंने आपको बताया था इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक जो है, एक तो ऑटोमेटिक आपको डीजल मिलता है, इसी के अंदर आपको IMT मिलता है। मतलब बाकी अब आते हैं इसके इंजन बे पे और देखते हैं क्या कुछ है वहां पे, कितनी पावर परफॉर्मेंस जो है इसी इंजन जो है प्रोड्यूस करता है। तो अब बात आती है बूट की, तो भैया यहाँ पे देखो वेट तो लग रहा है ऐड किया है, कहीं ना कहीं भारी भी जो है इसका बोनेट आपको लगेगा। पैडिंग मिलती है तो यहाँ पे आपको इंसुलेशन लेवल अच्छा हो जाता है इस चीज से। यह है इसका 1.5 लीटर का CRDI इंजन, 4 सिलेंडर वाला इंजन है एंड काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस देता है। माइलेज भी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। अगर पावर फिगर्स की बात कर ली जाए तो भाई 116 BHP की पावर निकालेगा और 250 NM का टॉर्क मिलता है।
काफ़ी कमाल का है, चला के देखिए, एक्सपीरियंस करिए, मज़ा आ जाएगा। और एज सच आपको यहाँ पे स्पेसेस जो हैं एक्स्ट्रा नहीं मिलते एंड सही है। और ABS EBD यूनिट आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, तो अब इसको यहाँ से करते हैं बंद। देख लिया आपने इस वैल्यू फॉर मनी वाले मॉडल STX ऑटोमेटिक डीजल को, और मैंने आपको जो चार पॉइंट्स बताया ना उसको ज़रूर ध्यान में रखना। ये गाड़ी जो है आपके लिए एक अच्छा जो है विकल्प, बोलते हैं ना ऑप्शन साबित होगी, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप क्रेटा की तरफ जा रहे हैं ना, फिलहाल रुक जाओ भाई, क्योंकि क्रेटा का देखो आपको पता है फेसलिफ्ट आने वाला है, तो फिलहाल उसको लेके कोई फ़ायदा नहीं है। सेल्टॉस को ले लो, इसका फेसलिफ्ट आ चुका है, 3-4 साल की टेंशन खत्म है, 3-4 साल तक आपका जो फेसलिफ्ट है वो नहीं बदलेगा। तो फिलहाल वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर ही देना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। चलो जी।